भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा के रहने वाले पुरुषोत्तम यादव को पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 11 साल कैद और 2 लाख रुपए मुआवजा देने की सजा सुनाई है। पॉक्सो के विशेष जज एमपी सिंह की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। मामले में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने बताया कि आरोपी युवक उस लड़की को पढ़ाने जाया करता था, उसने उसे पढ़ाना छोड़ दिया था। एक दिन लड़की स्कूल से आ रही थी, तभी उस लड़के ने उसे कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा, लेकिन इस बहाने वह उसे दिल्ली लेकर चला गया। वहां उसे 2 महीने तक रखा गया और दुष्कर्म किया गया। बच्ची ने अपने बहनोई को फोन कर इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद उसे वहां से लाया गया। विशेष पीपी ने बताया इस मामले में 3 दिसंबर 2018 को केस दर्ज किया गया था। डॉक्टर केस के आईओ और पीड़िता की गवाही कराई गई, जिसके बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई। ये गोपालपुर थाना का केस था 2018 का। इसमें जो है ये लड़की को, ये जो पढ़ने जाती थी, जिसका उम्र 14 वर्ष था, लड़की जो है 10वीं क्लास में पढ़ती थी, ये पढ़ने के लिए उसके यहाँ जो ये एक्यूज था पुरुषोत्तम, उसके यहाँ पढ़ने जाती थी। कुछ दिन से उसके बाद इसके पढ़ना जो है वो उसके गलत हरकत को देख करके छोड़ दिया। उसके बाद ये लोग दबाव डाला कि नहीं पढ़ने के लिए, कहा कि नहीं पढ़ने के लिए जाए। एक दिन रास्ता में कहा कि हम चलो तुमको हम घर छोड़ देंगे। उस बहाना से लेकर के ये इसको नौगछिया लेकर के चला गया, नौगछिया से फिर दिल्ली लेकर चला गया। और दिल्ली में ले जा कर करके एक दोस्त के सहायता से, ये दोस्त के सहायता से लेकर करके एक किराए का मकान लिया और लगातार वो उसके साथ जो है बलात्कार जबरदस्ती करते रह गया। उसके बाद किसी दिन इसको मौका लग गया और अपने जीजा जी को ये फ़ोन किया। जीजा जी को फ़ोन करने के बाद जो है ये पुलिस के मदद से वहाँ घर से रिकवर हुआ और उसके बाद यहाँ पर आकर करके ये सारा पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि यही हम इस हमारे साथ ये जो है जबरदस्ती बलात्कार करता था। यह इसमें जो है पूरा 7-8 नौ गवाही गुजारे, सारा गवाही जो है सपोर्ट किया इस केस को, समझे। उसके बाद आज जो है जजमेंट हुआ, एक दिन परसों जो था हुआ, उसके बाद आज पूरा जजमेंट हो गया। इसमें 11 वर्ष का इसको आज 11 वर्ष का इसको सजा मिला और 2 लाख रुपया कंपनसेशन मिला। यही केस, हाँ, 2 लाख रुपया जो है सरकार डालता देगा, ये 25,000 रुपया ये देगा। क्या नाम है सर लड़के का? किन का? वकील कौथर का, राजकुमार। एम पी सिंह 7th ADJ पॉक्सो कोर्ट फोक्सो के नंबर है 1747/18। अपना नाम बताइए। नरेश प्रसाद राम, स्पेशल पीपी भागलपुर, यही 7th। ये मामला 2018 का था, 1/8/18 का ही, 1/12/2018 का था, 1/12/2018 के था तो। लेकिन ये जो रिपोर्ट हुआ 2-3 दिन के बाद, उसके बाद उसकी माँ कही थी कि हम लड़की को पहुँचा देंगे, लेकिन नहीं पहुँचाया। तब 3 तारीख को ये केस किए, तब पुलिस जो है खबर किया, पता लगा, फ़ोन किया, तब यहाँ आया। 2 माह तक सर उसके साथ, हाँ 2 माह तक उसके साथ लगातार बलात्कार करते रह गया वो। आज जब जाता था तब ताला लगा देता था और उसके बाद खाना पीना भी दिक्कत से देता था और आता था बलात्कार करता था। यही केस था। भागलपुर सबौर उत्तरी से जिला परिषद के उम्मीदवार पर कल शाम इंग्लिश गांव में जानलेवा हमला हुआ, जिसमें अनिकेत यादव बाल बाल बच गए। वहीं आज सुबह जब अनिकेत यादव इंग्लिश गांव पहुंचे, तब हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मैं रात्रि के समय चुनाव प्रचार कर घर लौट रहा था, इसी दरमियान इंग्लिश गांव के नेहरू क्लब के पास कुछ शरारती तत्वों ने उन पर हमला किया। में जाएंगे तो हमारे जान का दुश्मन हो जाएगा, हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन हम युवा से कहना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भयभीत मत होइए, चूंकि जनता का प्यार है और अगर जनता के प्रति आप काम करते हैं, जनता के सुख दुख में आप खड़े होते हैं, तो जनता आपके लिए फिर है। आपको प्रशासन भी क्या ना, प्रशासन अभी हमने प्रशासन को भी इन्फॉर्म कर दिया, प्रशासन भी पूरा कड़ा से अपना जो है कि काम कर रही है। हमें कहा गया है कि लिखित में देने के लिए, तो अभी क्या है कि मेरे पास समय का बहुत अभाव है, चूँकि अभी बहुत नज़दीक आ गया चुनाव, तो अभी क्या है कि हम अभी ये सब चीज़ों में अगर जाएंगे तो हमारा 2-3 घंटा 4 घंटा बर्बाद हो जाएगा। और हमको क्या है कि अभी जनता के बीच जाना है, लोगों से मिलना है,
लोगों के दिलों में जगह बनाना है। तो अभी तो हम अभी प्रशासनिक में हर जगह इन्फॉर्म कर दिए हैं, लेकिन अभी सबसे पहले मेरा जो काम है वो है जनता के बीच में रहना, और हम जनता के बीच रहेंगे। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमको गोली मार दे, बम से उड़ा दे, फिर भी हम ये सब काम नहीं छोड़ेंगे और हम डरने वाले बिल्कुल नहीं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और एक रात पूर्व आपके ऊपर में जाएंगे तो हमारे जान का दुश्मन हो जाएगा, हम अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन हम युवा से कहना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भयभीत मत होइए, चूंकि जनता का प्यार है, और अगर जनता के प्रति आप काम करते हैं, जनता के सुख दुख में आप खड़े होते हैं, तो जनता आपके लिए फिर है। आपको प्रशासन भी क्या ना, प्रशासन अभी हमने प्रशासन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, प्रशासन भी पूरा कड़ा से अपना जो है कि काम कर रही है। हमें कहा गया है कि लिखित में देने के लिए, तो अभी क्या है कि मेरे पास समय का बहुत अभाव है, चूँकि अभी बहुत नज़दीक आ गया चुनाव। तो अभी क्या है कि हम अभी ये सब चीज़ों में अगर जाएंगे तो हमारा 2-3 घंटा 4 घंटा बर्बाद हो जाएगा, और हमको क्या है कि अभी जनता के बीच जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों के दिलों में जगह बनाना है। तो अभी तो हम अभी प्रशासनिक में हर जगह इन्फॉर्म कर दिए हैं, लेकिन अभी सबसे पहले मेरा जो काम है वो है जनता के बीच में रहना, और हम जनता के बीच रहेंगे। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमको गोली मार दे, बम से उड़ा दे, फिर भी हम ये सब काम नहीं छोड़ेंगे और हम डरने वाले बिल्कुल नहीं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और एक रात पूर्व आपके ऊपर में हमला। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये सामने वाले का मानसिकता ये है ना कि हम कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि नहीं, ये इसका छवि बहुत अच्छा है, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है, लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गया है, तो इसको दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं, तो सीधा इसी को ऐसे ऐसे काम कर देते हैं या जानलेवा हमला कर देते हैं। अगर मानिए वाकई में अगर हम गाड़ी नहीं बढ़ाते या ड्राइवर में